भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 134वें स्थापना दिवस के अवसर पर शुक्रवार को चारूचंद्रपुरी स्थित पार्टी कार्यालय पर एक सभा का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य महेंद्र मोहन उर्फ गुड्डू तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष तेज प्रताप शाही ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हमें एकजुटता का परिचय दिखाना होगा। आगामी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए हमें जनता से संपर्क करके उनसे जुड़ना होगा। हमें सबको एक साथ लेकर चलना होगा। कांग्रेस पार्टी की यही नीति है। स्थापना दिवस के अवसर पर प्रोफेसर राम नरेश चौधरी, इंजीनियर जयराम प्रसाद, जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत पाठक, हीरालाल यादव, रामनाथ निषाद, डॉक्टर वजाहत करीम, महिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष प्रेम लता चतुर्वेदी, स्नेहलता, निर्मला पासवान सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर तेज प्रताप शाही ने कहा, सरकार अब इस देश को चलाने के सक्षम नहीं है और यही नीति होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी आमदनी से अधिक खर्च करेगा वह कंगाल हो जाएगा। ना बना रहे हैं और नीतियां इनके पास कुछ है नहीं। सभी नीतियां तो हमारी लेकर चल रहे हैं, केवल उस पर ये मुलम्मा लगाते हैं कि ये हमारी नीति है। हमारे लिए बहुत सम्माननीय है, मर्यादित है, लेकिन क्या ये गोरक्षक सड़क पर घूमने वाले जो हमारी गायें हैं जो घायल हो जाती हैं गाड़ियों से, जो ये ठंडे में सड़कों के किनारे कांपती रहती हैं, क्या इनको भी कभी उठा के ले गए कहीं गौशाला में? इनके ऊपर भी कभी कंबल उठाया तुमने? कभी इनको भी उठा के पशु चिकित्सालय में ले जाके चिकित्सा कराया? आओ तो यह होता है सेवा अगर है, और अगर इस सेवा के आधार पर तुम राजनीति करना चाहते हो तो इस देश की जनता क्षमा नहीं करेगी। हमको और कांग्रेस ने सबका सम्मान किया है, सबकी मर्यादा को रखा है, सबको जीवित रहने का अधिकार दिया है और वह जानती है कि मानव योनि में जन्म लेने वाला जीव की योनि में कोई भी पैदा हुआ उसकी सबकी रक्षा होनी चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए। हमने सबका सम्मान होना है, हमने गौशालाएं भी बनवाई हैं, हमने गांव की भी सेवा की है, लेकिन हमने दिखावा नहीं किया, हमने नंगा नाच नहीं किया, किसी वर्ग विशेष के आधार पर हमने समाज को बांटा नहीं। हमने सबको साथ लेने का संकल्प लिया था और लेकर चल रहे हैं। भले ही कुछ लोग हमको छोड़ रहे हो, लेकिन हमने कभी भी उनको छोड़ने का मन नहीं बनाया है। किसी भ्रमवश, किसी छलावा से कुछ लोग हमको छोड़ दियो, लेकिन अगर उनके अंतर मन को टटोलो, उनकी आत्मा में निहारो, तो वह हमारी भावनाओं का आदर करते हैं, लेकिन कुछ कारण है जिसके कारण वो बिछुड़ से गए। उनको छोड़ने की आवश्यकता, उनको समझाने की आवश्यकता, हम नहीं छोड़ेंगे। चूंकि हमारी नीति ही है, हमारी बुनियाद ही है जोड़ने की, और इन लोगों की बुनियाद ही तोड़ने की, यह बुनियादी अंतर है। समय निकालकर इस कार्यक्रम स्थापना दिवस में सब लोग इकट्ठा हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि सब लोग एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करने का संकल्प लिया, इसी साथ सभा की समाप्त किया जाता है। ये जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 134वां स्थापना दिवस कार्यालय पर मनाया जा रहा है। इस स्थापना दिवस का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में कांग्रेस की नीतियों, रीतियों, कार्यक्रमों और कांग्रेस के उन दिग्गज नेताओं, राष्ट्रीय अध्यक्षों के बारे में बताना था कि यह कांग्रेस किस बुनियाद पर खड़ी और बनाई गई थी, और आज भी हम उस बुनियाद और उन नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर कांग्रेस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका निर्देश निरंतर हमें जो मिलता रहता है उसको लेकर हम कांग्रेस जन जन में, गांव-गांव में,
डगर डगर में कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं और अपने स्तर से जो भी संभव हो रहा है हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर यह स्थापना दिवस की आज का यह समारोह हम मना रहे हैं और मुझे आशा है कि जिन नीतियों के आधार पर इस देश की स्वतंत्रता हमने अर्जित की थी, समरसता, अनेकता में एकता, भाईचारा, सौहार्द, सभी को सम्मान, सभी का आदर, वह उन्हीं नीतियों के आधार पर अब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि और अभी हाल में जो 3 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए उन चुनाव के परिणामों ने भी यह सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस की नीतियां ही इस देश को आगे बढ़ा सकती हैं, देश को आगे ले जाने में सक्षम हैं। केवल एक कालखंड विशेष के लिए कुछ ऐसे तत्व, ऐसी शक्तियां जो इस समय सत्तारूढ़ हैं, जिन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर इस देश को बांटने का कुत्सित प्रयास किया है, वह कभी सफल नहीं हो सकती क्योंकि वह जनजन की भावना से अवगत नहीं है बल्कि वह जनजन को बांटने का काम करती हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर इंसानियत को शर्मसार करने का प्रयास करती हैं और हम इंसानियत के हितैषी हैं। हम इंसानियत को लेकर हमारा पहला नारा है कि हर इंसान अगर मर्यादित ढंग से उसके साथ व्यवहार किया जाएगा तो अगर इंसान है तो इस देश की जो है इस देश में मानवता अगर है, इंसानियत है, तभी इस देश का विकास भी होगा। क्योंकि इंसानों को बांटकर हम किसी भी राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते। धन्यवाद।